नमस्कार दोस्तों, सत्य खबर की खास पेशकश मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। हरियाणा में सभी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। इसी सिलसिले में इतवार को जजपा ने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की रैली जुलाना की नई अनाज मंडी में की। रैली का नाम का आम जनमानस में कैसा प्रभाव रहा, इस मौके पर मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला ने बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने के फायदे गिनवाए। वास्तव में जनता को कोई फायदा मिला या नहीं, जनता का भविष्य क्या रहेगा आदि तमाम सवालों पर आज हम मुद्दे की बात में चर्चा करेंगे। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र फोगाट, राजनीतिक विश्लेषक हेमंत सिंह और वरिष्ठ पत्रकार योगेश सूद। सबसे पहला सवाल वीरेंद्र जी से, आपका पत्रकारिता का लंबा अनुभव रहा है, बहुत सी रैलियां देखी होंगी, कल जुलाना में हुई रैली को लेकर आप क्या कहेंगे, ये रैली किन मायनों में खास रही है? हाँ देखिए धनखड़ जी, जैसा आपने अपने वक्तव्य में उद्बोधन में बताया कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बिल्कुल सिर पे है और इसके साथ साथ संभावना ये भी है और बातें ये भी हवा में है कि विधानसभा का जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव है वो लोकसभा चुनाव के साथ हो सकता है। इस तरह के कयास भी जो है वो हवा में राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हल्का दर हल्का पूरे हरियाणा को कवर कर रही है और जब से प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके उदय भान जी बने हैं जो भूपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते हैं, तो वो कांग्रेस काफी सक्रिय है और बीजेपी ने भी जो है लोकसभा रैलियों के माध्यम से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। और इवन मैंने तो ये भी देखा है कि रोहतक में जींद की तरफ चले जाओ या रोहतक से आगे कहीं भी जाओ तो फिर अब की बार मोदी सरकार इस तरह की जो है वो वॉल पेंटिंग्स जो है वो पिछले 2-3 महीने से बननी शुरू हो गई है, पेंट करना शुरू कर दिया है। तो कुल मिला के सारी मशीनरी जो है वो चुनाव के मोड में चली गई है और इस मामले में फिर जजपा क्यों पीछे रहे, तो उन्होंने भी जो है ये शुरुआत कर दी है। और दूसरी बात ये है कि जजपा के सामने संकट कुछ और पार्टियों से ज्यादा है। देखिए भाजपा तो पिछली टेन्योर में भी सरकार में थी, अब की बार वो जजपा के साथ है। जजपा पहली बार बनी हुई पार्टी है जो कि 10 सीटों के साथ जो है सरकार की साझेदार है और इसमें विडंबना कहिए या एक विरोधाभास कहिए या आप एक स्थिति ऐसी देखिए अजीब सी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जजपा ने वोट मांगे, विधायक बने और वो उनके साथ ही आज जो सरकार में शामिल है। और ये एक और बात यहाँ ये कहना बिल्कुल लाजिम रहेगा कि जजपा के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जब वो चुनाव में उतरेगी तो वो गठबंधन में रहेगी या अलग से चुनाव लड़ेगी, ये सबसे ज्यादा सोचना जजपा को पड़ रहा है। अब जजपा के साथ समस्या ये है कि सरकार के साथ जिस तरह से वो मलाई खा रहे हैं या सरकार में साझेदार हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं के या अपने समर्थकों के अगर वो कहते हैं कि खरा नहीं उतरे उनकी वादों पर या उनकी इच्छाओं पर, तो जजपा को ये लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ेगा। तो यहाँ जो है क्योंकि देखिए जींद और सोनीपत में जो 9 विधानसभा क्षेत्र है उसमें सिर्फ जुलाना एक ऐसा क्षेत्र है जहां से जेजेपी का विधायक जो अमरजीत झांडा जी हैं उन्होंने जो है सोनीपत लोकसभा की रैली जो वहां करवा के, ठीक है नफरी ठीक थी लेकिन देखिए बांगर के इलाके में चौधरी देवीलाल परिवार का काफी हस्तक्षेप भी रहा है, प्रभाव भी रहा है और इसी वजह से जुलाना को चुना गया है कि उससे रोहतक, जींद और सोनीपत तीनों हिस्से में अपने वर्कर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को जो है मोबिलाइज किया जाए और अपने आप को जो है फील्ड में दिखाया जाए। जी हेमंत जी, रैली में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और खुद दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी सरकार में उनके शामिल होने के फायदे गिनवाए कि क्या क्या फायदे हैं, क्या जेजेपी के बीजेपी में शामिल होने से हरियाणा की जनता को वास्तव में कुछ भला हुआ है? सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार और आपने ये पूछा है कि जेजेपी की वजह से हरियाणा की जनता का भला हुआ है कि नहीं हुआ जी। थोड़ा सा मैं आपको सर इतिहास में लेके जाना चाहता हूँ कि 2014 के बाद एक जींद का उपचुनाव हुआ जी और उसमें जेजेपी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। वो गठबंधन क्यों हुआ था
इस चीज के ऊपर आपको फिर से एक बार पूरे प्रदेश को चिंतन करवाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के पास जेल मंत्रालय है दिल्ली का, और दुष्यंत के पिताजी 2014 के वक्त भी जेल में थे जी। और जेल में जेल बढ़िया तरीके से कट जाए, इन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्पण किया, और हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने पैर पसारना चाहती थी, जमाना चाहती थी, तो गठबंधन की दरकार थी, जींद उपचुनाव मौका था, और ये ब्लैकमेल हुए केजरीवाल के हाथों जी। क्योंकि पापा की जेल कटवानी थी सही तरीके से। उसके बाद 2019 में इन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता के भले के लिए कोई गठबंधन नहीं किया जी। अगर इन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता के भले के लिए गठबंधन किया होता तो 5100 पेंशन के लिए खट्टर साहब को पुश करते कि जी हमारे मैनिफेस्टो में 5100 रुपए बुजुर्गों की पेंशन का वादा है, उसको पूरा करो जी। वो नहीं करवा पाए। किसान 2019 के बाद जो इनका गठबंधन चल रहा है उसमें ये चोरों की तरह छुपते हुए घूम रहे हैं किसानों से। 2 साल इनकी रेल बना के रखी किसानों ने, ये मतलब ये तो डिप्टी सीएम जो है हाथ नहीं लगा किसानों के, वरना किसान ऐसे भागते थे टोलियों में इसके पीछे, अगर हाथ लग जाए तो मार देते। आज भी वीडियो गवाह इन चीजों के, मैं झूठ नहीं बोल रहा, औरतों के सिर फूटे। मतलब कहने का तात्पर्य यह कि इन्होंने हरियाणा की जनता का भला करने की नीयत से कोई गठबंधन नहीं कर रखा। इन्होंने अपने पापा की और दादा की जेल सुख सुविधा के साथ कटवानी थी और वो थोड़ी सी माफ भी करवा ली, और अभय सिंह चौटाला जी पे मैम कांड का रिव्यू होना था केस जी, सीबीआई के द्वारा रिव्यू होना था, दोबारा से चलना था, वो उन्होंने खट्टर साहब को कह के बंद करवा लिया। पूरा चौटाला परिवार इस टाइम बीजेपी का चमचा बना हुआ है, मैं तो सरेआम कह रहा हूँ। और दुष्यंत चौटाला अपनी माँ के सिर के ऊपर हाथ रख के कह दे कि हेमंत फोगाट की बात झूठ है, तो हेमंत फोगाट को जो सजा देनी हो दे देना। ठीक है योगेश जी। कर्मचारी, कर्मचारी, किसान, व्यापारी, पूरा देहात सब दुखी है दुष्यंत चौटाला से। इन्होंने अपना घर भर लिया। ये है कि दुष्यंत चौटाला के बीजेपी में शामिल होने से, उप मुख्यमंत्री बनने से प्रदेश के लोगों का कोई हित नहीं हुआ, जैसा कि वो क्लेम करते हैं। आप बता दो सर, हम तो आपके सामने बच्चे हैं, यू आर सो सीनियर मतलब जर्नलिज्म में, आप बता दो कौन सा भला किया हरियाणा की जनता का। हिसार में एक एयरपोर्ट था, वो भजन लाल जी के टाइम भी था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम भी था, अब इन्होंने उसकी चार दीवारी कर दी और ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने एयरपोर्ट दे दिया। महम पे एक कार्गो टर्मिनल आना था, वो जेवर चला गया यूपी में। अभी मैं पढ़ रहा था 800 मेगावाट का प्लांट है यमुनानगर में हरियाणा के अंदर, वो यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। हरियाणा अभी जो अभी नंबर आए थे हरियाणा के यूनिवर्सिटीज के और हरियाणा के नंबर वन होने के, उसमें हरियाणा कहीं है ही नहीं अभी जो रैंकिंग आई थी। देयर आर सो मेनी थिंग्स, ये दावा करते हैं जेजेपी वाले दुष्यंत की इन्होंने रोड का जाल बिछा दिया। ये रोड का सारा जाल हाईवे वाला टाइप, एक्सप्रेस हाईवे टाइप सारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बिछाया हुआ है, जो थोड़ा बहुत अधूरा रह गया था हल्का फुल्का, वो आगे खट्टर ने पूरा कर दिया। इन्होंने नया क्या किया आप बता दो कि हरियाणा का भला कैसे हुआ। जहां तक नेशनल हाईवेज की बात है वो तो केंद्र सरकार का है, उसमें इनका कुछ नहीं है। जो हरियाणा सरकार के अंडर में रोड आते हैं बिना टोल वाले, उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। योगेश जी, दुष्यंत चौटाला ने शामिल होकर सरकार में कुछ काम करवाने का दावा किया है, अच्छी सड़कें बनवाने, खरखोदा में दुनिया का सबसे बड़ा मारुति प्लांट लगवाने, बुजुर्गों की पेंशन बढ़वाने तथा बेरोजगार युवाओं को 75% नौकरियां सुनिश्चित करवाने का श्रेय खुद को दिया, इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए सर, मैं आपको थोड़ा सा 2009-14 जब हुड्डा सरकार थी वहां ले चलता हूँ। ये जो खरखोदा में IMT उसी वक्त पास हुई थी और जमीन अधिग्रहण की गई थी 2014 से पहले, और गुरुति से भी बातचीत हुड्डा सरकार की वहां से चल रही थी। ये 900 एकड़ जो मामला, ये अपने जमीन जो अधिग्रहण अब हुई है, जो तब से बात चल रही थी कि इस बार इस बीच सरकार बदल गई। और ये बात कहना कि इन्होंने सब कुछ करवा दिया, इनके आने से करवा दिया, बाकी बचा कुचा जो था वो बीजेपी ने करवा दिया, मारुति आ गई लेकिन नहीं ले गए, ये तो एहसान मानोगे।
वो तो नहीं ले गए, लेकिन ये तो मारुति का बहुत आसार मानना चाहिए कि वो ये वहां से शिफ्ट नहीं करी, वही रह गई। लेकिन ये दावा बिल्कुल बिल्कुल जा सकती थी जी, और वो भी सत्ता चली जाती, लेकिन धन्यवाद। प्रोजेक्ट आए हैं बड़े बड़े, सब गुजरात चले गए हैं, उसी तरीके से जा सकता था। चलिए बिल्कुल जा सकता था जी, लेकिन ये इस दूसरी बात आपने कही कि ये बुढ़ापा पेंशन, अब मैनिफेस्टो देखा जाए जेजेपी का सर, तो मैनिफेस्टो में इन्होंने 5100 रुपए का वादा किया था बुढ़ापा पेंशन देने के लिए, लेकिन अभी 5100 रुपए तो बहुत दूर की बात है। अभी किसी पत्रकार ने कुछ समय पहले मुख्यमंत्री से सवाल पूछा था कि जेजेपी कह रही है 5100 रुपए, तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि 5100 रुपए जेजेपी कह रही है, हम तो नहीं कह रहे, और वो सरकार में हमारी सहयोग हमारा सहयोग कर रही है सरकार चलाने में। मैं अपनी बातों को थोड़ा सा दोबारा दोहराना चाहता हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सरकार में शामिल है, मुख्यमंत्री ने कहा वो हमें सरकार चलाने में मदद कर रहे हैं, हमारे सहयोगी हैं, 5100 रुपए वो देना चाहते होंगे, हमने जो देना था वो दे दिया। तो ये दावा भी बिल्कुल सरासर गलत है कि ये उन्होंने जो भी कहा वो पूरा किया। किसके बाद सर आपने 75% नौकरियों की बात पूछी मेरे से भी, जो उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में 75% नौकरियां दिलवाई जाएगी, लेकिन सर 12,000 नौकरियां जो कि कहा गया था उसमें से उद्योगपतियों ने ये कोर्ट में चैलेंज कर रखा है इस पूरे मामले को जी, और कोर्ट में मामला विचाराधीन है इस वक्त जी, और उसके बावजूद भी अभी हरियाणा गवर्नमेंट की जो नौकरियां निकली थी सरकारी नौकरियां, उसमें भी बाहरी प्रदेशों के लोगों को इंडक्ट किया गया है, ना कि हरियाणा के पूरे लोगों को यहाँ पे नौकरी मिली है, उसका भी काफी संख्या में विरोध हो रहा है पूरे हरियाणा में। तो ये सर इस मामले में तो हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता मैं कि दुष्यंत जी जो कह रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है, लेकिन ज्यादा कोई मामला ऐसा है नहीं जी, ये तो गलत बोल रहे हैं। हेमंत जी मैं एक चीज इसमें जुड़ना चाहूंगा जो अभी सूद साहब ने कहा है, इसमें क्या है कि पहले डोमेसाइल वगैरह की नियम टर्म्स कंडीशंस कुछ और होती थी, 7 साल या 15 साल रहना जरूरी होता था हरियाणा में तब डोमेसाइल बनता था, अभी इन्होंने उसमें भी रिलैक्सेशन दे दिया है, तो जो आउटर स्टेट के बच्चे हैं या लोग हैं वो अब आसानी से अपना डोमेसाइल जल्दी जल्दी बनवाने लग रहे हैं, हरियाणा का आदमी तो दोबारा से है जी सुन साहब बिल्कुल बनवा रहे हैं, बिल्कुल आसान हो गया जी, बिल्कुल यही कह रहा हूं, ये हार्ड फैक्ट है जी, और बाहर का आदमी ही नौकरियां प्राप्त कर रहा है, हरियाणा का तो फिर से पीछे रह गया, और ऊपर से ये तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मैं इसमें चीज जोड़ना चाहूंगा सुन साहब, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऑलरेडी ये प्रावधान कर रखा था कि भाई हरियाणा के बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी डोमेसाइल को, लेकिन उसमें मतलब कंडीशन है जी सुन साहब क्या कह रहे हो, मैं तो बिल्कुल कर रखा था जी, हाँ तो मैं कह रहा हूँ आप सही कह रहे हो, जो टर्म्स एंड कंडीशन अब इन्होंने व्यापारियों पे पुट कर दिए ना, उससे व्यापारी भी दबाव में है और वो कोर्ट में गए हैं, ये सूद साहब के फैक्ट के साथ मैं बात जोड़ रहा हूँ। दूसरा इस चीज में हरियाणा का ही नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बाहर के लोग वर्कर बन के हरियाणा में आए हुए हैं, डोमेसाइल जल्दी बनने लग गया, शायद 2 या 3 साल की कंडीशन है, और मतलब हरियाणा के बच्चों को फिर से लाभ नहीं मिल रहा। वीरेंद्र जी दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ने यदि कोई गलत फैसला लिया तो उसका विरोध भी जेजेपी विधायकों ने ही किया, उन्होंने सूरजमुखी की समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज का विरोध करने पर जजपा विधायक रामकण काला का उदाहरण दिया, ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा सरकार ने किसानों के साथ जो ज्यादतियां की थी, जनपा नेताओं का उस समय क्या रुख रहा था, एक पत्रकार के नजरिए से आप क्या कहेंगे? देखिए सर, एक पत्रकार के नजरिए से कहिए या एक सामान्य नागरिक के नजरिए से, आप बिल्कुल ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है कि जब किसान इन 3 कृषि कानून के जो काले कानून थे जो केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान एकदम जो है रातों रात पारित करवाए थे, बिल्कुल बिना किसी चर्चा के और बिना किसी संसदीय समिति के भेजे, उसका विरोध करने के लिए जैसे ही किसान जो है टीकरी में सिंघू बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे और सरकार के कानूनों का विरोध किया, और उसमें पंजाब के किसान अगवा रहे, फिर हरियाणा के किसानों ने काफी मदद की और वो बहुत जो है लाभ रश करके साथ और तन मन धन से साथ जुड़े, और उधर गाजीपुर बॉर्डर से भी, तो जजपा के जो विधायक थे या मंत्री थे उप मुख्यमंत्री थे ये लोग किसानों से छुपते फिर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है।
इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा था कि भाई हम जो है किसानों के साथ है और कृषि कानूनों का विरोध करते हैं, क्योंकि ये तो सरकार में साझेदार है। और जहां तक देखिए हम लोग साझेदारी की बात करें जसपा और भाजपा की, आप ये देखिए कोरोना काल में जो रजिस्ट्री का कांड हुआ, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का, जो शराब माफिया ने जो जिस तरह से हरियाणा को लूटा और रजिस्ट्री जिस तरह से हुई है कोरोना काल में, वो सारे जो विभाग जो है वो जसपा के पास है, उप मुख्यमंत्री जी खुद देख रहे हैं। लेकिन वो जो है इतने बड़े मुद्दे हैं, इतने बड़े घोटाले हैं, लेकिन वो सब सरकार जो है चुप बैठी है। कारण क्या है उसके पीछे, सबको पता है कि सरकार को अभी इनकी बैसाखियों की जरूरत है या इनके समर्थन की जरूरत है। हालांकि इसको मैं बैसाखी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जब 2019 में ये जो रिजल्ट आया तो ये पब्लिक डोमेन में ही ये चीज, पत्रकार बिरादरी या मीडिया या आम आदमी भी जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल अवेयर है वो ये जानता है कि ये खुद जो अमित शाह से मिले थे दिल्ली में और सरकार को समर्थन का खुद ही ऐलान कर दिया था, तो ये बात पब्लिक डोमेन में है। तो अब तो ये है इनके सामने। अब देखिए एक बड़ा हास्यास्पद बात है कि कल जुलाना में जिन परियोजनाओं का श्रेय जेजेपी ने लिया या डिप्टी सीएम ने लिया, चाहे वो मारुति की बात हो या हेमंत सिंह जी और योगेश सूद ने क्लियर कर दिया कि वो बहुत पुरानी सरकारों के जो है फैसले थे, उस समय एक्वायरमेंट हुई थी जमीनों की, ये लोग तो नए जो लैंड एक्विजिशन कानून है उसके तहत जो है एक्वायरी नहीं कर पाई है गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल एक्वायर नहीं करना चाहती है क्योंकि किसानों को उसको लाभकारी मूल्य देना पड़ेगा जमीन का। तो ये तो, और जहां तक रोड्स की बात है वो ज्यादातर पुराने प्रोजेक्ट्स हैं और वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े वो जो है हरियाणा से गुजर रहे हैं, बस हरियाणा को इतना लाभ है, उसमें इस सरकार का कोई रोल नहीं है। और जो बात है टोल रोड जो है वो चल रहे हैं, टोल जो है लोग चुका रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि जो स्टेट रोड्स हैं गांव में जो रोड गए हैं, इवन जो है शहरों में जो रोड है उनकी हालत इतनी खराब है कि पूछो मत। पीछे विधानसभा में कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया था हरियाणा के रोड्स के बारे में, तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था खट्टर साहब ने कि ऐसा नहीं है हरियाणा में सब ठीक चल रहा है और हम कांग्रेस की बातों पर ध्यान नहीं देते। तो आप एक किस्म से ये देखिए जिद देखिए या बेशर्मी कहिए सरकार की कि वो विपक्षी दल उसकी भी बात नहीं सुनना चाहती है, लोगों की बात भी नहीं सुनना चाहती है। रोज आना सोशल मीडिया पे, मीडिया तो आजकल कम ही कवर पर कर पा रहा है इन चीजों को कि रोड्स की हालत इतनी खराब है कि खड्डों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है, गड्ढों में सड़क ढूंढ रहे हैं लोग। हाँ एक सर एक और मेरी जो बात हास्यास्पद बात जो मैं कहना चाहता था कि कल हुई है कि जिन परियोजनाओं का श्रेय दुष्यंत चौटाला जी कल ले रहे थे, आप ये सोचिए कि कल को लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी अगर अलग अलग लड़ेंगी तो ये क्लेम जो है कौन लेगा? फिर बीजेपी कहेगी ये सब हमने करवाया है जी। उस समय बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा होने वाली है। उस समय सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब क्या जवाब देंगे कि ये मारुति का कारखाना कौन लेके आया? अब खट्टर साहब और जब डिप्टी सीएम दोनों इकट्ठे बैठे होंगे और पत्रकारों से ये सवाल पूछेंगे कि जी मारुति का जो आईएमटी में जो प्लांट लगेगा या इसके अलावा जो हिसार का जो एयरपोर्ट है जिसके बारे में सारा क्लियर जो हेमंत जी ने बता दिया है वो भी पुरानी सरकार को देन है और वहां कोई इतनी बड़ी जो है कई बार इन्होंने सेवा शुरू करने की कोशिश की लेकिन वो बिल्कुल फर्टाइल नहीं है और फिजिबल इतने बड़े लेवल पे हो नहीं सकता है। बल्कि वो महम का जो कार्गो एयरपोर्ट होता अगर वो होता तो उससे हरियाणा में बिजनेस को इंडस्ट्री को बहुत फायदा हो सकता है। ले रहा है कि बरसों से जो 2003 से या 4 से जो हिसार में दूरदर्शन केंद्र चल रहा था वो बंद कर दिया गया। बंद क्या उसको कहते हैं कि भाई हमने जो है वो वहां मर्ज कर दिया चंडीगढ़ में, और मर्ज करने का मतलब है इनका बंद करना। तो बिल्कुल नहीं ले रहे नहीं, देखिए जो चीज बंद होगी उसका श्रेय तो ये कैसे लेंगे? हाँ किसी भी सरकार ने खोला वो जो पुरानी, अब जैसे रोड्स का श्रेय लेने वाली बात अपनी पीठ थपथपाए जाओ उससे कोई फायदा होने वाला नहीं, वो सब पता है। खोला था और चौधरी देवीलाल के नाम पर समर्पित किया था एक तरह से और उसको बंद कर दिया गया, लेकिन दुष्यंत चौटाला या अजय चौटाला उसको लेकर के आज तक एक शब्द नहीं बोले। देखिए वही बात है कि सरकार को समर्थन देने की मजबूरी जसपा की है, वो भाजपा के लिए कोई उनको न्योत के नहीं आए थे वो, ये तो जसपा जो है ये चाहती है कि बीजेपी के साथ गठबंधन रहे। जिस दिन बीजेपी के ऊपर ये बात आई कि हमें देखिए गठबंधन भी जो है जब तक चलेगा जब तक बीजेपी चाहेगी, सर ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। जसपा ने खुद ऑफर करके समर्थन दिया और सरकार में शामिल है तमाम। अब ये देखिए जब इसे हेमंत जी बता रहे थे, योगेश जी बता रहे थे कि जब मुख्यमंत्री खट्टर साहब से सवाल पूछा गया था, मुद्दा था उनकी घोषणा थी इसमें हम क्या कर सकते, तो साफ साफ ये इससे ज्यादा बेइज्जती
एक सहयोगी दल के जो आपके सरकार में साझेदार है और कैसे हो सकती है। लेकिन मजबूरी ये है जनता के सामने, संकट ये है सर्वाइवल का कि उनको इनके साथ लगे रहना है। तो ये सवाल बिल्कुल साफ है। बोलूं सर? हाँ हाँ सर, जो आपने क्वेश्चन पुट किया है ना सबके सामने कि क्या फायदा हुआ प्रदेश की जनता को, तो उसमें दो चीजें क्लियर हो गई, दो फायदे हुए। पहला फायदा ये कि हरियाणा की जनता के आंखों के आगे से ना एक उजाला नहीं होता, वो हट गया, नकाब हट गया पूरे परिवार चौटाला परिवार के ऊपर से। अब ये यूं नहीं कह सकते कि हम किसानों के हितैषी हैं या हम जनता के भले के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो एक उजाला हो जाता, वो हट गया। मैं यहाँ आपसे डिफर करूंगा, एकमात्र विधायक है पूरे हिंदुस्तान में और इनेलो का एक ही विधायक था और उसने भी रिजाइन कर दिया था किसानों के समर्थन में। अब ये बात तो कहिए मत कि उसने रिजाइन नहीं किया था। सर यहाँ पे मैं एक चीज आपके साथ मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए जी, अभय सिंह चौटाला का महम 24 कांड जो हुआ था, अमर सिंह की डेथ हुई थी, उसकी हत्या हुई थी, वो केस दोबारा और रीओपन होना था, वो कार्रवाई तभी की नहीं तभी? वो सारी चीजें अलग है। नहीं सर, वो अगर भतीजा चाचा जी की फाइल ना दबवाता तो कोई माइकल लाल नहीं था कि अभय सिंह को जेल जाने से बचाता, मर्डर केस के अंदर था। उसके अलावा और भी मामले हैं, वो भी चल रहे हैं, उसके बाद वो भी बड़ी धीमी गति से चल रहे हैं। लेकिन सर सवाल यही था कि अभय चौटाला ने रिजाइन दे करके, त्याग पत्र दे करके ये कहा कि मैं किसानों के समर्थन में त्याग पत्र दे रहा हूँ और चुनाव फेस किया, उपचुनाव फेस किया, और चुनाव में जब हारने की कगार पर था तो उस वक्त आकर के नरेश टिकैत, राकेश टिकैत ने जो है वो आकर के पोटली रखी थी कि भाई किसानों ये पोटली रख के जा रहा हूँ, और तब जाकर के वो जीता था। हेमंत जी आपसे मेरा सवाल है कि सुने हुए सरपंच जो ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल आदि की को लागू करने के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, उसमें पंचायत राज्य मंत्री और जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जेजेपी का जब हम बैकग्राउंड देखते हैं कि जेजेपी का गठन क्यों हुआ, तो जेजेपी इज बेसिकली जुगाड़। जोगीराम सियाग को बीजेपी की टिकट नहीं मिली, ही एंटर्ड इनटू जेजेपी। देवेंद्र बबली को कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, उन्होंने तुरंत जेजेपी ज्वाइन कर ली। राम कुमार गौतम जो कभी कांग्रेस में खड़े हो जाते हैं कभी कहीं, उनको टिकट चाहिए थी, वो जेजेपी में। सुने ये नैना चौटाला जी को चुनाव जीतना था, आज भी अंदर ही अंदर सब फुसफुसाते हैं कि किरण चौधरी से मदद ली इन्होंने चुनाव जीतने के लिए। बेसिकली इट वाज ए बिग जुगाड़, और इस जुगाड़ में देवेंद्र बबली ने शायद कभी सपने में भी नहीं ये सोचा होगा कि चौधरी देवीलाल उसके जननायक हैं। आज भी सपने में उसके देवीलाल जी जननायक बन के नहीं आते होंगे, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि उसका एक एक कीटाणु जो है कांग्रेस वाला है, वो शुरू से ही कांग्रेस में था, वो तो मजबूरी में टिकट नहीं मिलने के कारण जेजेपी में आ गया। अब जहां तक मैं सुन रहा हूं सोशल मीडिया पे, ये सुन रहा हूं कि 6 या 7 विधायक जो है जेजेपी के बीजेपी में एंट्री करेंगे चुनाव से पहले और गठबंधन टूट जाएगा जी। अब जिस आदमी का ये पता है सबको कि भाई ये आदमी जेजेपी छोड़ के बीजेपी में जाएगा, वो खट्टर के अनुसार चल रहा है, उसने दुष्यंत से कोई लेना देना नहीं है जी। दुष्यंत सरपंचों के हक में है या नहीं है, व्हाटएवर, वो कर रहा है जो उसको बीजेपी के सीएम खट्टर साहब ने कह रखा है जी। उसकी अपनी थॉट कुछ नहीं। अच्छा, अगर दुष्यंत सचमुच में हितैषी होता किसानों का, सरपंचों का, देहात की जनता का, तो वो सरेआम देवेंद्र बबली को कह देता कि भाई तू इसके खिलाफ बोल, तू सरपंचों के ई टेंडरिंग में क्यों पेट फंसवा रहा है। मैं तो इतनी सी बात कहता हूँ, ये सब बीजेपी में जाएंगे और दुष्यंत का इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो खट्टर इनको कह रहा है और खट्टर साहब कह रहे हैं और ये कर रहे हैं। और अब आप दिग्विजय का बयान ले लो, उसको पता है कि अंदर ही अंदर की गठबंधन टूट चुका है, वो हर रोज अपने पापा के साथ बयान दे देता है कि हमारा गठबंधन खत्म हो गया है, हम अब गठबंधन नहीं रखेंगे। लेकिन दुष्यंत का और दिग्विजय का भी तालमेल नहीं है, जैसे अभय सिंह का और अजय सिंह का नहीं है, बहुत से पेच है इस चीज में। तो ये जेजेपी जो है जुगाड़। योगेश जी, प्रदेश की जनता में
जेजेपी बीजेपी सरकार को लेकर जबरदस्त रोष है। क्या दोनों पार्टियों के अलग अलग चुनाव मैदान में उतरने से इसमें कमी आएगी या दोनों पार्टियों को लोगों की नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ेगा? देखिए सर, पहले मैं यही बात स्पष्ट कर दूं कि खामियाजा तो दोनों को ही उठाना पड़ेगा। योगेश जी, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए, ऊंची आवाज। मैं ये कह रहा हूँ कि खामियाजा तो दोनों को उठाना पड़ेगा, चाहे वो साथ आए या अलग अलग आए। हाँ, जेजेपी को खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा कैसे भी वो आए। हालांकि बीजेपी की एक पुरानी हिस्ट्री है कि जिस पार्टी के साथ उसने सरकार बनाई वो पार्टी धीरे धीरे रसातल में चली गई, और ये एक चीज यहाँ भी दोहराई जाने वाली है। आज ये इस चीज को दोहरा दिया जाए या 5 महीने या 6 महीने बाद, जैसे अभी आपके सामने महाराष्ट्र का उदाहरण होगा, और महाराष्ट्र में पिछले हम 1-1.5-2 साल से उदाहरण ही देख रहे हैं। पहले शिवसेना खत्म करी और उसके बाद अब शरद जी का नंबर लग गया। उसी तरह अब बहुत ज्यादा समय नहीं है कि जैसे जेजेपी का नंबर है अब अगला, और ये वक्त की बात। जिनको भ्रष्ट बताया जाता है, भ्रष्टाचार का जिन पर आरोप लगाते हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई गुरेज भी नहीं है, और धीरे धीरे उन्हें ये सही है कि सरकार की तमाम उपलब्धियों का श्रेय दोनों पार्टियों लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन गलत फैसलों की जिम्मेदारी जिनसे जनता परेशान है दोनों में से कोई भी नहीं लेना चाहेगी। यानी अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर दोषारोपण भी करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छे फैसलों का श्रेय लेने वाली जेजेपी सरकार के गलत फैसलों की जिम्मेदारी से बच जाएगी। यानी जनता की नाराजगी का खामियाजा उसे भी उठाना पड़ेगा। हम घड़ी के साथ बंधे हैं, अब समय हो चला विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे नए मसले और नए सवालों के साथ। नमस्कार।